لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال الله تعالى في القران الحكيم وهو اصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، آپ سب کو عید مباہلہ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خداوند عالم سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اس عید کے صدقے میں ہم سب کو صداقت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی عید ہے جس کو عالم اسلام چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ نام نہاد مسلمان اس عید کا ذکر کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اس عید سے جو تاریخ وابستہ ہے وہ عظمت پنجتن کی تاریخ وابستہ ہے، جبکہ یہ عید خود اسلام کی عظمت، اسلام کی ابوہت، اسلام کے وقار کی عید ہے۔ جب نصارہ نجران پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب عیسیٰ، نعوذ باللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، اور پیغمبر اسلام نے دلیلوں پہ دلیلیں دی اور وہ اس دلیل کو ماننے کو تیار نہیں ہوئے، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ میرے پیغمبر، علم آنے کے باوجود جو لوگ آپ سے جرح و بحث کر رہے ہیں ان سے آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ ہوگا کیا؟ ثم ما نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، تباہل کریں گے۔ یہ تباہل ہے کیا؟ تباہل اصل میں مادہ بہل سے ہے کہ جس کے معنی ہے رہا کر دینا، چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، لیکن اصطلاح میں مباہلہ جس چیز کو کہا جاتا ہے وہ اصل میں ایک گروہ کا دوسرے گروہ کو استدلال قائم کرنے کے بعد نہ ماننے پر ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرنے کو مباہلہ کہتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ پہلی چیز، آپ جس اعتقاد کے دفاع میں آئے ہیں خود آپ کو اس کا یقین ہونا چاہیے، اور اتنا محکم یقین ہو کہ آپ کے دل میں تردد نہ پایا جائے، اور مد مقابل کے لیے تب آپ مباہلہ کریں، یعنی بد دعا کریں۔ اس شرط کے بعد ایک بہت زبردست تصویر ہے جو واضح ہو رہی ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے ساتھ مباہلے کے لیے اسی کو لائیں کہ جو اس عقیدے کو
पूरी तरीके से अपने दिल में उतारे हुए हो और जिसमें तर्दीद न पाई जा रही हो। अब अगर कोई शख्स खुद जाते पैगंबर के ऊपर शक कर रहा हो तो उन सफों से ऐसे अफराद को कैसे चुना जा सकता है। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए ठहर के, कुरान क्या कह रहा है, कह पैगंबर इनसे कह दीजिए कि तुम अपने बच्चों को लाओ हम अपने बच्चों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ हम अपनी औरतों को, तुम अपने नफ्सों को हम अपने नफ्सों को। उसके बाद मुबाहला हो, तुम नबतहिल फनज अल्लानत अल्लाही अलल काज़िबीन, और उसके बाद झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत की जाए। कुरान मजीद पढ़ के आलम इस्लाम हमें बताए कि आयत के नुजूल के बाद मुबाहला हुआ या नहीं हुआ। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए कुरान काफी है, वो हमें कुरान से बताएं कि मुबाहला हुआ या नहीं हुआ। पूरा कुरान पढ़ के देख ले आलम इस्लाम, वो बता नहीं सकता कि इस आयत के ऊपर अमल हुआ या नहीं हुआ। जब तक के रिवायात का सहारा न ले ले, तो जब एक मुबाहले की तारीख सिर्फ और सिर्फ कुरान से साबित नहीं कर सकते, तो पूरा दीन दावा अलग है लेकिन हकीकत कुछ और है। अब अगर हम रिवायात का सहारा लें तो हमें रिवायात बताती हैं कि पैगंबर इस्लाम के इस ऐलान के बाद उस कुफे आजम ने, जो नसाराए नजरान का सरदार था, उसने अपने लोगों को तैयार किया और कहा कि मुबाहले के लिए तैयार हो जाओ। हां, शर्त इतनी है कि जिस दिन मुबाहला तय हो और पैगंबर जब मैदान में आए तो यह देखना कि पैगंबर इस्लाम अपने अस्हाब के साथ आ रहे हैं या अपनी इतरत और अपने औलाद के साथ आ रहे हैं। अगर पैगंबर इस्लाम अस्हाब के साथ आए तो पैगंबर से मुबाहला कर लेना, लेकिन अगर अपनी औलाद को लेके मुबाहले के मैदान में आए तो हरगिज मुबाहला न करना। क्यों? इसलिए कि अगर पैगंबर इस्लाम अस्हाब को लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब पैगंबर अपनी रिसालत में मुतरद्दिद हैं, लेकिन अगर अपनी औलाद अपने अफराद को लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब पैगंबर अपनी रिसालत में सच्चे हैं। और फिर खबरदार, देखो मुबाहला न करना वरना ये कौम बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि जब पैगंबर इस्लाम मैदान मुबाहला में आए तो अब मुबाहले की शान यह है कि पैगंबर इस्लाम आगे आगे हैं, आगोश में हसनैन करीमैन हैं, उनके पीछे जनाबे जहरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, उनके पीछे जनाबे अमीर कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम। और ये छोटा सा काफिला, जो जाहिरन छोटा सा है मगर सरदारों का काफिला है, इसलिए कि हसनैन जवानान जन्नत के सरदार, पैगंबर इस्लाम सैयदुल अंबिया, बीबी सैयदा सैयदतुन्निसाइल आलमीन, मौलाए कायनात सैयदुल औलिया, यानी ये सादात का एक काफिला था कि जो दीन की हिफाजत के लिए मकामे मुबाहला में आया। और अब जब नसारे नजरान ने इनको देखा तो कहा, देखो खबरदार इनसे मुबाहला न करना, इसलिए कि हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये कह दें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे, अगर ये कह दें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। नसारा नजरान कलमा नहीं पढ़ते थे मगर ये जानते थे कि ये ऐसे सच्चे हैं कि अगर ये कह दें तो इनकी जबान के ऊपर पत्थर भी अमल करेगा, पहाड़ भी अमल करेगा। अगर ये कह दें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे,
गोया उसी वक्त बताना चाहते हैं कि ये वो हैं कि जो कहें उसे मानो। एक पत्थर अगर मान सकता है तो तुम बाशऊर हो, तुम्हें मानना चाहिए। लेकिन नसारे नजरान ने ये तो कहा कि अगर ये कह दें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दें। यानी नसारे नजरान इतना पहचानते थे आले रसूल और पैगंबर इस्लाम को कि वो जानते थे कि ये कह दें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। मगर कुछ लोगों को नबी ने रोका, मगर पहाड़ से उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, जबकि नबी ने मना किया था कि खबरदार इस दर्रे को छोड़ के न जाना। क्यों? इसलिए कि यकीन नहीं है रिसालत पे, एतमाद नहीं है रिसालत के ऊपर। और यह मुबाहला इस तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ कि नसारे नजरान ने पैगंबर इस्लाम से मुआहदा किया कि हम अकलियत के साथ आपकी पनाह में रहने को तैयार हैं और हम टैक्स अदा करेंगे। मुबाहले की तारीख खत्म। लेकिन अगर हम यहां से कुछ तारीखी मनाजिर के ऊपर निगाह करें तो इस मुबाहले ने बहुत कुछ वाजे किया है। उनमें से एक अहम तारीख जो मैं अपने नाजरीन के हवाले करना चाहता हूं कि जब मौलाए कायनात के ऊपर 70,000 मिंबरों से सब्व शत्म किया जा रहा था, आयादम बिल्ला लानतें की जा रही थी, उस वक्त साद इब्न अबी वक्कास उनसे एक सहाबी थे, अशरे मुबशरा के सहाबी हैं, उनसे हाकिम शाम ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम अली के ऊपर लानत नहीं करते, तुम अली पे सब्बो शत्म नहीं करते। उस वक्त साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं कि अली के पास तीन ऐसी फजीलतें हैं कि अगर इनमें से कोई एक फजीलत हमारे पास होती तो हमारा पूरा खानदान उसके ऊपर फख्र करता, और उनमें एक फजीलत पैगंबर इस्लाम ने अली को अपना जानशीन और वली करार दिया है। इसका मतलब यह है कि उस दौर के सहाबाए किराम जानते थे कि अली रसूल के बनाए हुए बिला फसल खलीफा। दूसरी चीज का मैं खुद गवाह हूं कि पैगंबर इस्लाम ने खैबर की शब यह ऐलान किया है कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो करार होगा, गैर फरार होगा, बड़बड़ के हमला करने वाला होगा। अल्लाह और रसूल उसको चाहते होंगे, वो अल्लाह और रसूल को चाहता होगा। तो जिसकी मोहब्बत अल्लाह और रसूल के दिल में हो, हम उस पर कैसे लानत करें? जिसे रसूल ने अपना खुद जानशीन बनाया हो, हम उस पर कैसे लानत करें? और तीसरी चीज इसी मुबाहले के इस लफ्ज को, और मुबाहले के मैदान में मैंने देखा है कि पैगंबर अपने नफ्स की जगह अमीर कायनात को लेके गए। यानी गोया अली नफ्स रसूल हैं। अगर मैं अली पे सब्बो शत्म कर रहा हूं तो गोया रसूल पे सब्बो शत्म कर रहा हूं। वाकया तारीख में खत्म हो गया, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अगर अभी तक हाकिम शाम अमीर कायनात की अजमतों से बेखबर था, अगर अभी तक हाकिम शाम यह समझता था कि अली पे सब्बो शत्म खुद जाते अली पे सब्बो शत्म है, तो एक अशरे मुबशरा के अजीम सहाबी के समझाने के बावजूद लानतों का सिलसिला क्यों नहीं रुका? इसका मतलब यह है कि हाकिम शाम की निगाह में रसूल की भी कोई अजमत नहीं थी, रसूल का भी कोई वकार नहीं था। और जिसकी निगाह में रिसालत का वकार ना हो, उसको कौन अजमतें दे सकता है? उसको कौन इज्जतें दे सकता है? उसे कौन वकार दे सकता है? वही देंगे जो रसूल के दुश्मन होंगे।
जो रिसालत का जिनके निगाहों में एतबार ना होगा। ये मुबाहला बहुत सी तारीखों को और बहुत से चेहरों पर से नकाब पलट रही है। सुमानब तहिल फनज लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत हो, या ऐसे सच्चे हैं कि अगर कह दें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। नसारा नजरान जिन अफराद की सदाकत का दम भर रहे हों, अगर किसी मकाम पे उनके किसी दावे को खारिज कर दिया जाए तो उसके बारे में आलम इस्लाम क्या फैसला करेगा? आलम इस्लाम फैसला करे या ना करे, कुरान फैसला कर रहा है कि अगर इनकी सदाकत को कोई नहीं माने तो वो झूठा है। फनजअल लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। नसारे नजरान ने मुबाहले के गवाहों को मान लिया और अपने मौके से पीछे हट गए, मगर दरबार में बतूल इसी मुबाहले के गवाहों को लेके आई है तो बतूल को ठुकराया जा रहा है। ये एक मुबाहला नहीं है, इस मुबाहले से बहुत सी कड़ियां जुड़ी हुई हैं कि हमें चाहिए कि हम इन तारीखों को समझें, पहचानें और अमल करने की कोशिश करें। खुदावंद आलम से दुआ है कि परवरदिगार हम सबको इतनी तौफीक अता कर कि हम कुरान की आयतों को समझ सकें, कुरान की आयतों पे अमल कर सकें और इस अजीम ईद की खुशियां मनाने की तौफीक अता फरमा। जो लोग कुरान से अपने को वाबस्ता समझते हैं, परवरदिगार उन्हें तौफीक अता कर कि वो ऐसी ईदें कि जो कुरान के दामन में मौजूद हैं, चाहे वो ईद गदीर हो, चाहे वो ईद मुबाहला हो या दूसरी ईदें हों, परवरदिगार उन तमाम ईदों को कुरान की आयतों से समझने और उसका जश्न मनाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हम सबको सादिकीन के रास्ते पे गामजन रखना, उन्हीं के साथ मुलहक रखना। परवरदिगार तुझे वास्ता है, वारिस मुबाहला इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान अनसार में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउद्दुआ।